कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, बेटियों का भविष्य लूटे जाने की कही बात। कर्नाटक बीजेपी ने कहा कांग्रेस शासित राज्यों में पहले लागू करें राहुल। पंजाब चुनाव में कांग्रेस की फिर बड़ी मुश्किलें, सिद्धू और चन्नी के बीच ढाई ढाई साल सीएम बनने को रखा फॉर्मूला। कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद उसी दोराहे पर पहुंची कांग्रेस। रायपुर दौरे पर सिंधिया ने मीडिया से की चर्चा, कहा देश की जीडीपी में हुई बढ़ोतरी, कोरोना काल में मोदी सरकार की कार्य प्रणाली को बताया प्रशंसनीय। अंबिकापुर में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, छह नाबालिगों ने मिलकर इस भयावह घटना को दिया अंजाम, प्रकरण दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। और दमोह में अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रशासन, आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासनिक अमले पर की पत्थरबाजी, जान बचाने मशीन लेकर रफू चक्कर हुआ चालक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। शिवपुरी जिले में पुलिस को खोए हुए मोबाइलों को ढूंढने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कुछ समय पहले भी लोगों के गुम हुए लगभग 60 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए थे और अब फिर साइबर सेल ने जिले में करीबन एक साल पहले गुम हुए मोबाइलों को पुलिस प्रशासन की सहायता से ढूंढकर आज उनके मालिकों को शिवपुरी पुलिस कंट्रोल रूम में वापस कर दिया। वहीं लोगों ने अपने मोबाइल वापस मिलने से शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और साइबर सेल प्रभारी मुकेश दुबोलिया को धन्यवाद दिया है। आज जो कुछ लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस किए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में आप? जी, हमारी जो शिवपुरी की साइबर सेल है उसने लगातार प्रयास करती रहती है किसी का मोबाइल का कहीं चालू हो जाए, सिम वगैरह कोई लोकेशन किस तरीके से मिलती है, तो उस पर कार्रवाई लगातार करते रहते हैं। इसमें भी आज की तारीख में 56 ऐसे लोग के मोबाइल मिले हैं जो पहले कहीं गुम हो गए थे और उसके बाद उनको आज सौंपे गए। हमें कईयों में ये भी पता लगा कि स्टेट के बाहर भी गए थे, जैसे महाराष्ट्र में गए थे, कर्नाटक में गए थे, तमिलनाडु गए थे, तो जब उनकी लोकेशन मिलती है तो वहाँ से लोकल पुलिस की भी सहायता ली गई है और केवल लोकल आदमी से भी बात करके भी मुगलवाया गया है। कुरियर से भी कुछ आए, कुछ पुलिस टीम लेके गई है और उनमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई छोटे मोटे काम करने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनके लिए ये अच्छा तोहफा रहा है। और पिछले 10 दिन से लेके ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर तक के मोबाइल ट्रेस हुए हैं जो मिले हैं वहाँ पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान को असफल बताया है। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का अभियान न बनकर बीडी शर्मा का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन गया है। अभियान में बीजेपी के कोई बड़े नेता और कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल रहे, न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, न ज्योतिरादित्य सिंधिया और न ही उमा भारती का कहीं अता पता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान भाजपा का अभियान ना बनकर बीडी शर्मा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन के रह गया और पूरी तरह असफल हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था कि सभी नेता कार्यकर्ता 100-100 घंटे बूथ विस्तारक अभियान में देंगे, सिवाय बीडी शर्मा के कोई भी नेता बाहर नहीं निकला, ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती का कहीं अता पता नहीं, प्रहलाद पटेल का अता पता नहीं, भाजपा के तमाम नेताओं ने इस अभियान से दूरी बना ली, किनारा कर लिया, केवल अकेले बीडी शर्मा जी का अभियान बन के रह गया। पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान बार बार तारीख बढ़ाने के बाद भी असफल हुआ है। मुरैना के पनीर व्यापारी किशन मोदी ने गौ सेवा का भाव रखते हुए एक ट्रक लगभग 300 क्विंटल आलू जैन समाज की संचालित गौशाला में भेजे हैं। गौ भक्त किशन मोदी को जब जानकारी लगी कि बैरसिया में किसी निजी गौशाला में भूख प्यास से गायों की मौत हो गई और जो जीवित गायें हैं उनको खाने के लिए भूसा नहीं है, जिसके बाद उस गौशाला को समाप्त कर क्षेत्र की कई गौशालाओं में गौवंश भेजा जा रहा है। वहीं उनमें से कुछ गौवंश आचार्य श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र बैरसिया में भी भेजे जा रहे हैं, जिसका नगर की कई गौशालाओं के लिए एक ट्रक भर आलू मुरैना से भेजा गया है। वहीं गौशालाओं में ट्रक पहुंचते ही प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में से खाली करवाया गया। शिवर वाले जो पनीर का धंधा करते हैं, हम बैरसिया जैन समाज और सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में, आपात स्थिति में, जो एक ट्रक बैरसिया में 300
600 बोरे का भेजा है आलू, जो मवेशी के काम में आ रहा है। उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो ऐसा स्वीकार हमने कहा कि हमारी नहीं, आप तो गौ माता की मदद करना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कृपया आप भेजिए। और साथ में हम पुनः उनका से गुजारिश करते हैं कि ऐसे मौक़ों पर विशेष तौरों पर हम लोगों को ध्यान रखें और ये गौ माता की सेवा करते रहें। और हमारा जो महान देवदेव महासंघ है, हम उसके भी आभारी हैं कि वो हम पे बराबर सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है संघ का, ऐसी मुसीबतों में हमको साथ देते रहते हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश महामंत्री के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में दो सीएम हैं, शिवराज क्रेता सीएम और सिंधिया विक्रेता सीएम। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कालाबाजारी को लेकर शिवराज को घेरा है। उन्होंने कहा कि शिवराज के आंगन में कालाबाजारी करने वाले लोग पल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही मिश्रा ने गायों की मौत और अफीम तस्कर मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहां गरीबों की सब्जी मंडी जिस पर निगाह सिंधिया जी की उस जमीन पर, उसे स्थानांतरित करने को लेकर वहां हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक सशक्त आंदोलन आज तक चलाए हुए हैं। उस आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए। हमारे एनएसयूई के कार्यकर्ता जो पुतला जला रहे थे, उन पर रासुका और 307 लगा दी गई। मैं उस बात की निंदा करता हूं कि कोई सब इंस्पेक्टर उसमें जले हैं, हमें उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, मगर पुलिस से भी मेरा निवेदन है कि वो पुतलों को अपना पिताजी ना समझे। उसको ऐसे बचाने जा रहे हैं जैसे वो डीजीपी साहब हों जीवित। तो सरकार की इतनी चमचागिरी ना करें। हम चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर साहब जल्दी स्वस्थ हों, मगर इस देश में हाई कोर्ट के कई फैसले हैं, उन फैसलों में पुतले जलाने को अपराध नहीं माना गया है, वो लोकतंत्र में विरोध का एक तरीका है। तो उसको आप कैसे जलाने वाले पर 307 और रासुका लगा रहे हैं? हमारा गंभीर आरोप है कि वहां का कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिसे एक अच्छा कलेक्टर समझकर हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने उसे ग्वालियर पदस्थ किया था, वो कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपना नाम बदलकर कौशलेंद्रादित्य सिंधिया रख लिया है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने खजुराहो से फ्लाइट शुरू होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को बड़ी सौगात मिली है, अब दिल्ली से खजुराहो के बीच फिर से फ्लाइट शुरू होगी। बता दें कि इसकी सेवा 18 फरवरी से आप ले सकते हैं। खजुराहो जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज है और 17 आइकॉनिक सिटी में है, पहले प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया था, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का हमने बहुत अभिनंदन किया है। और अभी 18 तारीख से खजुराहो को जो एयर कनेक्टिविटी है, जो हमारे टूरिज्म के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जिस बात की ज़रूरत थी, अभी 18 तारीख से स्पाइस जेट का एयर कनेक्टिविटी हमारी शुरू होगी और फ्लाइट 18 तारीख से शुरू होकर के इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उड्डयन मंत्री आदरणीय माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो दिए, मैं उनको इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। अपने एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विमान सेवा के विस्तार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रुचि नहीं ले रहे। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए हमें 24 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, यह जरूरत भी राज्य सरकार पूरी नहीं कर पा रही। इसी तरह बिलासपुर में भी जमीन की आवश्यकता है, वहां भी सरकार बाधा खड़ी कर रही है। छत्तीसगढ़ में विमान सेवा के विस्तार के लिए सिंधिया ने राज्य सरकार और भूपेश बघेल के ऊपर जमकर निशाना साधा है। लेकिन आगे विमान मंत्री से और उन्होंने सरासर कहा था कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मर्जर होना चाहिए, तो होना चाहिए इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत के बीच में, जो उस समय में उन्होंने किया था, पर एक इंटरनेशनल एयरलाइन होना चाहिए एयर इंडिया के रूप में। 82,000 करोड़ जो मर्जर के पहले कंपनी प्रॉफिट में होती थी, आंकड़ा नंबर एक। आंकड़ा नंबर दो, इन 14 सालों में 45
55,000 करोड़ रुपए की एयरपोर्ट है, 250 एकड़ की। हमने ये निश्चय किया है कि उड़ान के अंतर्गत एटीआर की सुविधा के अनुसार उसे हम लोग उड़ान की योजना में हम डालने की हमारी विचारधारा है। लाइसेंसिंग अभी लंबित है अंबिकापुर की एयरपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में लगातार अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है, जहां इन कब्जा करने वालों के ऊपर प्रशासन बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी तहत बटियागढ़ के शहजादपुरा में भी प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, जहां राजस्व अधिकारी और ग्रामीणों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद गाँव के लोगों ने जेसीबी मशीन के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि भगदड़ मचने के बाद पुलिस ने रुकने की काफी कोशिश की, लेकिन जेसीबी चालक अपनी जान बचाने के लिए बुलडोजर लेकर तुरंत ही रफू चक्कर हो गया। वहीं तहसीलदार ने कहा कि प्रशासनिक अमले के साथ पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। शहजादपुरा के आसपास आज राजस्व अमला तहसीलदार साहब के साथ में अतिक्रमण हटाने के लिए गया था शासकीय भूमि पर। बहुत से लोगों ने वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी मकान बना लिए हैं, पुलिस भी साथ में थी। इस बीच में कुछ जिनके अतिक्रमण थे उन्होंने कुछ विरोध किया था, व्यवधान डाला था, बाकी शांतिपूर्ण सब काम हो गया था। अतिक्रमण हटाए गए, पथराव भी सर किया गया था, कुछ इस तरह की सूचनाएं आई हैं, हम देख रहे हैं उसको और जाँच कर रहे हैं उसकी। खबर रायपुर से ही, जहां सिंधिया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी मुद्रा का इजाफा हुआ है, जिसमें जीडीपी 1.5 लाख करोड़ हो चुकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए 8,000 करोड़ की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। वहीं बिलासपुर दुर्ग के बीच फास्ट ट्रेन चलाने की सेवा दी जाएगी। सिंधिया ने पीएम मोदी के कामों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई काम किए, जिसमें देश अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केवल इस वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधोसंरचना के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के लिए जुड़ाई गई। बिलासपुर दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के आधार पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक राशि की आवंटन की जा रही है, ताकि सीधे सीधे उनके खाते में पहुंचे। राजगढ़ जिले के जीरापुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी केंद्र ने बसंत पंचमी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाज सेवी तरुण कुमार चौबे, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के जिला प्रमुख संजय सिंह पवार और सीएमओ देव नारायण डांगी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर चौबे ने कहा कि शहर में ध्यान और अध्यात्म के लिए बरसों से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम सबके जीवन का मूल उद्देश्य मन की शांति और आनंद के साथ रहना है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो या हमारे रोजगार का हो, हमारी आजीविका का हो, या कोई किसी का हमको सहयोगी करना हो, या कहीं पे भी हमको किसी तरह का कोई काम करना हो, तो जब तक हमारा उसमें ध्यान नहीं होता है, तब तक वो काम अपने परिणाम पे नहीं पहुंचता है। उस सरस्वती की साधना आवश्यक है, और सरस्वती कहाँ है तो वो हमारे मस्तिष्क में है, इसलिए हम ध्यान के माध्यम से उस सरस्वती तक पहुंच सकते हैं। बिलासपुर में बीते दिनों शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग के लिए सौदा कर रहे शिक्षक का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह शहर के स्कूल में पोस्टिंग के नाम पर 90,000 की रिश्वत मांग कर रहा था। वहीं वायरल ऑडियो के बाद पुलिस ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत FIR दर्ज कर शिक्षक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने शिक्षक पोस्टिंग के वायरल ऑडियो संबंधित समाचार को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी कर शिक्षक नंद कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि जो कुछ समय पूर्व शिक्षक नंद कुमार साहू के ऑडियो वायरल होने के संबंध में मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी,
इसके द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें से कई लोगों को संपर्क करने की पुष्टि हुई है और दो गवाहों ने ये भी बताया है कि उनके द्वारा 85,000 रुपीज उसके खाते में बैंक ट्रांजैक्शन और कैश के माध्यम से भी जमा किए गए थे, जिसके द्वारा बहुत अधिक दबाव और धमकी दी जा रही थी पोस्टिंग के संबंध में। इसकी निशानदेही पे एक अन्य शिक्षक योगेश पांडे, जो स्वयं भी पीओ ऑफिस में पदस्थ था, उसी के द्वारा इसको लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी और उसके पास से 18,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया। इसमें किसी अधिकारी का नाम आया? वर्तमान पूछताछ में दोनों ने ही अभी तक की पूछताछ में किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम नहीं लिया है। पूछताछ अभी भी जारी है और इनके कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की और एविडेंस आएगी तो डेफिनेटली उनका नाम भी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।